दोस्तों नमस्कार। योगी सरकार ने सोमवार को विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 7,36,437.71 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस बजट के माध्यम से इस बार युवा, किसानों, महिलाओं और गरीबों को लाभ पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। भाजपा के लोग इसे विकास का एक नया आयाम बता रहे हैं, तो वहीं सत्ता विपक्ष वाले इसी बजट को सिर्फ लालीपाप बता रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, और चर्चा इसलिए लाजमी है क्योंकि बजट तो हर साल पेश किया जाता है, लेकिन इस बजट को धरातल पर कितना लागू किया जाता है, सवाल ये है, और इसी पर एक चर्चा होना अति आवश्यक है। और इसका जिक्र और चर्चा इसीलिए लाजमी है, अपने मतों का प्रयोग करके सरकार बनाने वाली जनता को इसे जानने का अधिकार भी है। सबसे पहले हम बात करते हैं देश के भविष्य युवाओं की। नए बजट में युवाओं को मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान नामक एक योजना शुरू करने की बात कही जा रही है। इसके तहत युवाओं को सूक्ष्म औद्योगिक इकाइयों के स्थापना के लिए 5,00,000 रुपए बिना ब्याज के ऋण देने की बात कही जा रही है, इस बजट में बताया गया है। दोस्तों आपको याद होगा कि इसके पहले भी बीजेपी सरकार ने ही युवाओं के लिए छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, जिसे आप एमएसएमई कहते हैं, बिना कागज के लोन देने की योजना चलाया था। इस योजना को लाभ पाने के लिए युवा आगे आए थे और उन्होंने बिना ब्याज के ऋण लेने की इच्छा जताई थी। उनके मन में यह इच्छा जागृत हो गई थी कि उन्हें बैंक से लोन मिल जाएगा और वो एक छोटा व्यापार कर सकेंगे, लेकिन बैंकों के मनमाने रवैये के चलते उन्हें लोन नहीं मिल पाया। युवा माउस दिखे, इसमें बैंकों की मनमानी है। कुछ लोगों का जो साठ गांठ हो गया बैंकों से, उनको लोन मिल भी गया था, लेकिन अधिकतर लोग मायूस ही दिखे। बीजेपी सरकार की सबसे दुखती नस आवारा पशु है। लोकसभा चुनाव में आवारा पशु, छुट्टा पशु नुकसान ना पहुंचा दे, इसके लिए गौशाला, बेसहारा पशु आश्रय स्थल योजना के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अब देखना है कि सड़कों पर सुबह शाम डेरा जमाकर बारातियों की तरह बैठे दूल्हे का इंतजार करते आवारा पशुओं की संख्या में क्या कमी होगी, या केवल हर बार की तरह भी इस बार भी आवारा पशुओं का आश्रय गौशाला की बजाय सड़क ही होगा। स्वास्थ्य के लिए भी बजट पास किया गया है। दोस्तों क्या इस बार सरकारी अस्पतालों में लोगों को इलाज मुफ्त में मिल सकेगा? मुफ्त में इलाज का तो दावा किया जाता है, लेकिन उन्हें ज्यादातर दवाएं बाहर से लिखी जाती हैं। क्या सरकारी चिकित्सक लोगों को बाहर से दवा का पर्चा अब नहीं लिखेंगे, क्योंकि इतना भारी भरकम बजट पास किया गया है? शिक्षा पर मिले बजट से क्या प्राइमरी स्कूलों की शिक्षण व्यवस्था में सुधार हो सकेगा? क्या बच्चों को सत्र के शुरुआत में ही किताबें, ड्रेस, जूता, मोजा उपलब्ध हो जाएंगे? क्या समय से टेंडर हो जाएगा? क्या इस बार लोगों को निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति मिल सकेगी, जो ट्रिपिंग होती रहती है? क्या आपूर्ति के दौरान ट्रिपिंग नहीं होगी? क्या किसानों को कम दर पर बिजली आपूर्ति की जाएगी? क्या उन्हें सस्ती दर पर बिजली दी जाएगी? ये भी एक अहम सवाल है। और किसानों की फसल का वाजिब मूल्य उन्हें बगैर मशक्कत के क्या मिल जाएगा? क्या उनका धान, गेहूं, जो भी फसल होती है, क्या उनका आसानी से बिक जाएगा? उनको कोई समस्या नहीं होगी? क्या सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी? यह सब एक अहम सवाल है जिस पर योगी सरकार को चिंतन करने की आवश्यकता है, और यह चिंतन स्वयं करके उस पर अमल करने की सख्त आवश्यकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बार स्वयं भेष बदलकर किसी सरकारी योजना के निरीक्षण की आवश्यकता है।
या निरीक्षण यदि अकेले में हो जाए, जिस प्रकार से पहले राजा भेष बदलकर अकेले में निरीक्षण करते थे और बिना लाव लश्कर के, बिना कोई सूचना के, योगी जी अगर किसी एक योजना का निरीक्षण कर लें तो दूध का दूध पानी हो जाएगा और उनको एहसास हो जाएगा कि उनके समीप बैठे जो हुक्मरान उनको कहते हैं कि योगी जी ऑल इज ओके, सब कुछ सही है, तो योगी जी की आंखें खुल जाएंगी और उनको एहसास हो जाएगा कि योगी जी के हुक्मरान उनको किस चश्मे से उत्तर प्रदेश के विकास का दावा करा रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अमित तिवारी को इजाजत दीजिए, जल्द लौटेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।